नमस्कार, एमवी हेल्थ टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, आज की वीडियो में कुछ है खास। दोस्तों, बालों की समस्या आजकल बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। आजकल बाल हमारे इतने झड़ते हैं कि कुछ लोग तो बाल झड़ने की समस्या से बहुत ही ज्यादा परेशान है, तो कुछ लोग इस समस्या से गंजे होते जा रहे हैं। दोस्तों, बाल झड़ने की कई समस्याएं हो सकती है, यानी मसलन पोल्यूशन, खान पान का तरीके से भी आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ सकते हैं। दोस्तों, आप कभी कभार ऐसे पदार्थों का यूज कर जाते हैं जो आपको एलर्जी कर जाते हैं। दोस्तों, आप अपने बालों की समस्या से इतने परेशान होते हैं कि आपको कोई भी प्रोडक्ट बताए तो आप उनका इस्तेमाल कर लेते हैं। दोस्तों, मैं आपको सलाह देती हूँ कि ऐसे किसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ऐसे में आपको वो साइड इफेक्ट भी कर सकता है, यानी आपके सिर पर जितने बाल हैं वो उनको भी हटा सकता है। दोस्तों, हम कुछ घरेलू उपाय आपको बता रहे हैं, उनका इस्तेमाल कर आप अपने बाल वैसे ही वापस ला सकते हैं, घने और बिल्कुल काले। तो आइए, चलिए देखते हैं क्या है इसके उपाय और आपको कैसे इसका यूज करना है। हेलमेट लगाने से, जी हाँ दोस्तों, कई लोगों का मानना है कि वह बाइक चलाने के दौरान हेलमेट लगाने से बाल झड़ जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, हेलमेट का बालों से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है, सिर्फ अपने बालों पर घमरा रगड़ लो तो सब ठीक हो जाएगा। अब ये आप सोच रहे होंगे कि ये घमरा क्या है, इसके लिए आपको दादी माँ से पूछना होगा। हमारे जमाने में ये किराने की दुकान पर मिलता था, पर अब ये शायद अमेज़न पर भी आपको आसानी से मिलेगा। कच्चे अखरोट का छिलका, जी हाँ दोस्तों, कच्चे अखरोट के छिलके को लगाओ, जलन बर्दाश्त करो, तकलीफ के बाद दिमाग ठिकाने पर रहे तो बालों की तरफ ध्यान दो कि वह बचे हैं या नहीं। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं कपड़े वाले साबुन की। जी हाँ दोस्तों, कई लोगों का मानना होता है कि कपड़े वाले साबुन से बाल धोने से हमारे बाल नहीं झड़ते, और साबुन आप ध्यान रखें रेन टाइड नहीं चाहिए। देसी साबुन जो हम पहले जमाने में इस्तेमाल करते थे, यानी फरिश्ता और मोर छाप जैसे। गाय से सर चटवा लो, जैसी सलाह भी आपको किसी ने दी होगी। बताया जाता है कि गाय की लार में कुछ ऐसे तत्व होते हैं कि जिसे सर की खाल दुरुस्त हो जाती है, पर दोस्तों माना जाता है इससे भी कुछ ज्यादा फायदे नहीं होते हैं। पीली वाली बल ततैया के छत्ते को देखो, जब वह ततैया घूमी घूमी करने गई हो तो उसे छत्ते को खोजकर निकालो, फिर उसमें सरसों के तेल को गर्म कर सर पे लगाओ। बल्कि ये बहुत ज्यादा गलत होता है, पर दोस्तों आपको ये करना ही होगा। गुड़हल के ताजे फूलों को लो, अब इसे नारियल के तेल में तब तक गर्म करो जब तक यह लाल से काला ना हो जाए। अब इस तेल से सर पर मालिश करें। कई लोगों का मानना है कि सर से बाल मुंडवा लो या सर पे इस तरह मरवा लो तो उससे घने लंबे बाल आते हैं, ये भी गलत है। कैचुए का तेल लगा लो, कैचुए को नारियल तेल में गरम कर लो और उसे गरम तेल से सर की मालिश करो। झड़ते बालों को हाथ में लेकर थूथू करो, हो सकता है कि आपकी सेहत की तरह बालों को भी नजर लग गई हो। ऐसे में सर पे हाथ फेरो, झड़ते बाल हाथ में आएंगे, फिर उन्हें हाथ में लेकर थूथू करो। दोस्तों, ऐसा आपको दो दो बार करना है, फिर उन बालों को फेंक दो, बाल की नजर उतर जाएगी और बाल का गिरना जल्द ही गम हो जाएगा। तो देखा आपने दोस्तों, लोग कितने ज्यादा भ्रमित होते हैं ऐसे उपायों को देखकर। दोस्तों, आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।